हेलो हाय इरन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में, वो भी IRCTC के बारे में। तो उसके बारे में बात करेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं निफ्टी 50 के आज के दिन के मार्केट फ्लो के बारे में जानते हैं। पर उससे पहले एक और चीज़, अभी मैंने जस्ट एक और वीडियो अपलोड किया तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में देख सकते हैं हद से ज्यादा गिरावट होते हुए दिखी है। वन मंथ के मार्केट में अगर वन मंथ का हम लोग चार्ट लेके बैठे तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है। और यहीं पे अगर वन डे की भी बात करें तो वन डे में भी आपको एक बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, पर उसके बाद एट द लास्ट आपको गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे बात करें तो अगर 5 डेज पे भी फोकस करें तो 5 डेज में भी इसी तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। आगे के मार्केट में क्या होगा ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। पर IRCTC पे अगर मूव करते तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले हम लोग 6 मंथ से यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो 6 मंथ से उतार चढ़ाव है। आपको पता है शेयर स्प्लिट हुई है और तब से उतार चढ़ाव अच्छी खासी है। तो ये तो अच्छी बात है, उतार चढ़ाव है, आपको अच्छा फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 मंथ में 13.67% तक डाउन है। वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में 9.21% तक डाउन है। और यही हम लोग 5 डेज पे बात करें तो 4.70% तक डाउन है। और वन डे की बात करें तो यहाँ पे 0.37% डाउन देखते हुए मिली है। पर ये शेयर एक बहुत ही अच्छा फ्लो मार्केट में बनाते हुए भी दिख सकती है। अब पहले इसकी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओपन हुई थी 729.95 पे, और यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 732 तक गई है और लो गई है 714 तक। तो अच्छी खासी लो भी जाते हुए टच करते हुए दिखी है, पर लास्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं 719 तक पहुंच गई, मतलब रिकवरी थोड़ा सा देखने को मिला था मार्केट में। मार्केट में ये शेयर किस तरीके से परफॉर्म आगे के दिनों में करेगी तो सबसे पहले ये बात आती है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं इस शेयर का ऑप्शन बाई करके रखा हूँ। अभी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट मुझे भी थोड़ा सा लॉस में, पर ये जल्दी ही रिकवरी करेगी और इसके जब एक्सपायरी आने से पहले ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है मार्केट में। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं 30.68%, मतलब आज के दिन होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है मार्केट में। तो सबसे पहले इसकी सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सिंपल चीज़ है, 700 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे 700 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है कि मतलब बहुत मुश्किल है जाना 700 के नीचे। पर यहाँ पे अगर अभी आप लोग बाई करते हैं तो आराम से ये शेयर अगर लॉन्ग टर्म में बाई करते हैं, इनफैक्ट विद इन 3 to 4 months, अगर 6 मंथ का भी टारगेट लेके रखते हैं आप लोग तो आराम से आपको 1200 तक टच करते हुए ये शेयर दिख सकती है और एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी बनाते हुए दिख सकती है। आगे के दिनों में इस शेयर का मतलब ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आप लोगों को पता है मोनोपोली मार्केट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, पर गवर्नमेंट भी मेन रोल प्ले करती है तब पर भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है कि पॉलिसी सब के चलते ये सारे शेयर्स को दिक्कत आ जाता है, पर ऐसा टेंशन की बात नहीं है, ये शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगी। और आजकल ये गिरावट क्यों दिखा रही, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का भी फ्लो, जानते हैं किस तरीके से मतलब गिरावट बनी हुई है। तो ये नॉर्मल फ्लो है, मतलब इसी तरीके से गिरावट तो बनाते हुए दिखेगी क्योंकि निफ्टी 50 में एक अच्छा वेटेज IRCTC भी कंट्रोल करती है। तो उसके चलते आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ ऑल शेयर्स में आपको गिरावट बनते हुए दिखेगी। अब बात करें IRCTC की, तो IRCTC से आपको फ्यूचर में कितना ग्रोथ बनाते हुए दिख सकती है, मतलब फ्यूचर का तो मैंने बता दिया 1200 तक जा सकती है, मतलब टारगेट है। इनफैक्ट अभी आप लोग के पास टाइम है शेयर्स बाई करने का, वो सही रहेगा। यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करती है वो 700 की है, और अगर इन अभी ऑप्शन की ऑप्शन बाई करने का बात करें तो आप 850 CE को लेकर बाई कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस रख सकते हैं 850 CE, वो अच्छा परफॉर्मेंस बनाते हुए दिख सकती है मार्केट में। यहाँ पे अगर बात करें तो आगे के दिनों में मतलब जो मार्केट में मेनली गिरावट मतलब IRCTC को लेके, तो आप लोग को पता है ट्रेन कैंसिलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा ट्रेन कैंसिलेशन हो रही है मार्केट में। और इसके पीछे 2-3 कारण है, कोल का कारण है और इलेक्ट्रिसिटी का कारण है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के चलते बहुत जगह पे गिरावट होते हुए दिखी है। इनफैक्ट आपको पता है कि गर्मी का भी किस तरीके से बुरा हाल हो चुका है, तो ये सब को लेके बहुत मैटर कर रही है IRCTC की शेयर। यहाँ पे कोल का क्या सीन है मैं बस समझा देता हूँ। तो अभी IRCTC की बहुत सारी मतलब इंडियन रेलवे बहुत सारी ट्रेन कैंसिल कर रही है, द रीज़न बिहाइंड कि कोल ट्रेन को क्लीन एंड क्लियर रास्ता देने के लिए, इसलिए बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो रही है। और
अभी कोल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, तो जिसके चलते ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके, मतलब ट्रेन कैंसिलेशन बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब बाहर से ज़्यादा ट्रेन कैंसिलेशन होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ऑफकोर्स शेयर से तो इफेक्ट करेगी थोड़ा सा, पर उसको लेके पैनिक नहीं होना। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोल को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्कैसिटी हो रहा है कोल का, तो वो थोड़ा सा मैटर कर रहा है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और जिन किसी को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट को भी खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगी अप स्टॉक्स की, तो आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलवा सकते हैं, वो भी अप स्टॉक्स में, जिसमें नाममात्र के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IRCTC मतलब ITC की भी मैंने वीडियो अपलोड की, तो ये भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।